بسم الله الرحمن الرحيم खोले। तो ये रोजे की अहमियत है।
इसी के जिम्मे में एक मसला आता है कि अगर किसी इंसान का पिछले माह मुबारक रमजान में रोजा खजा, किसी भी वजह से, सफर के उनवान से या किसी इल्लत की वजह से, बीमारी की वजह से या ख्वातीन के खास अय्याम की वजह से रोजा पिछले साल नहीं रख पाए, तो आइंदा साल के रमजान आने से पहले उस साल के रोजों का रखना वाजिब है। वाजिब है यानी उस साल के रोजे रख ले। अगर कोई अपने पिछले साल के खजा रोजे नहीं रख सकता है तो फिर अगर माह रमजान आ जाए तो उसे अपने खजा के साथ साथ कफारा भी अदा करना पड़ेगा, उस पर कफारा भी लाजिम आ जाता है। अगरचे आपका रोजा किसी न किसी वजह से छुटा था, इल्लत की वजह से छुटा था, यानी कि जो लीगल जो वजह है इस्लाम की शरीयत पर, सफर है या बीमारी है, अगरचे वजह से छुटा, तो आप मोहलत है एक साल, आप इस एक साल के अंदर यानी इस रमजान आने से पहले तक आप पिछले साल के अपना रोजे खजा कर ले। अगर आप नहीं करते हैं, रमजान आ जाता है, तो फिर इसके बाद से अब आप जब चाहें जब इसके खजा करें, अपनी जिंदगी में मरने से पहले आप खजा कर लें, साथ ही साथ कफारा भी अदा करें। कफारा भी वही जो फिदिया होता है जो बीमार या किसी वजह से नहीं रखा जा सकता है, यहाँ रोजे के हिसाब से जो है ये काम जो है निकाले सांस पहुँचा सकते हैं, कफारा फिदिया देना पड़ेगा, फिदिये अमद नहीं फिदिये मरीज। ये रोजे से मुताल्लिक हुक्म है कि इंसान इस जो पिछले साल के हजार रोजे हों वो उसे अदा कर लें। देखिए इस्लाम ने मुसला करने को हराम करार दिया गया है। मुसला करना किसे कहते हैं, यानी अरब में ये एक सुन्नत थी अरब जाहिलियत की कि जब अपने दुश्मन को मारा करते थे तो उसके बदन के टुकड़े करते थे और बदन के टुकड़ों को जेवर के उन्वान से अपने गले में पहना करते थे या सर को नेजों पर बुलंद किया करते थे। ये अरब जाहिलियत का ये सुन्नत थी। इस्लाम आने के बाद इस्लाम ने इसे मना कर दिया, हराम कर दिया कि दुश्मन चाहे कोई भी हो उसके बदन को मुसला नहीं किया जाएगा। इसलिए जब उमर अपने अब्दबत की बहन अपने भाई के जनाजे से गुजरी तो उसने यही कहा कि मेरे भाई को जिसने मारा है वो जवान मर्द, इसलिए कि उसने मेरे भाई के बदन को मुसला नहीं किया और उसके बदन से हत्ता जेवर भी उसने नहीं उतारे। ये उसने कहा कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है एक जवान मर्द ने मारा है। कि अरब जाहिलियत में दुश्मन को जब मारा करते थे तो उसके बदन को बुरियान कर दिया करते थे और उसके बदन को टुकड़े कर दिया करते थे। यही वजह है कि सैयद शहदा करबला में हर शहीद जो मैदान जंग में शहीद होता था उसका जनाजा आप खैमे में पहुंचाया। आप जानते थे कि ये जो दुश्मन है ये इस्लाम पर नहीं है, ये लोग जनाजों के साथ क्या करते हैं, आप जानते थे। आप हर जनाजा खैमे में पहुंचाया सिवाय दो जनाजों के, सैयद शहदा दो जनाजे खैमे, एक जनाब अली असगर का लाशा और दूसरा अब्बास का लाशा। अली असगर का लाशा सैयद शहदा ने खुद अपने हाथों से दफनाया था, अब्बास का लाशा सैयद शहदा ने क्यों नहीं पहुंचाया। उलमा कहते हैं कि हमर बनी हाशिम ने वसीयत की थी, अब्बास जानते हैं कि मेरा मौला मेरा आका सुबह से भूखा और प्यासा है और कितनी लाशों को आपने अपने हाथों से पहुंचाया, अब मेरा मौला इतनी ताकत नहीं रखता कि अब्बास की लाश को खा सके। अब्बास ने वसीयत की मौला मेरी लाश को खैमे में ना ले जाइए। आजीजाने ग्रामी सैयद शहदा जानते हैं अगर ये लाश अब खैमे में ना जाएगी तो दुश्मन अब्बास के जनाजे के साथ क्या करेंगे। हाँ यही हुआ जब ज़ैनुल आबिदीन जब तेरा मुहर्रम लाश को दफन करने आए अब्बास का पामाल लाशा आपने छोटी सी कब्र बनाई अब्बास को दफन कर दिया। अरे जब बहन ज़ैनब आई अब्बास की कब्र पे छत
الفردوس فرمائے، جنت البقیع جنت المحلہ کی تعمیر دیکھنا نصیب فرمائے، علماء اعلی مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام نیست و نابود فرما، امام زمان